मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का दौरा। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ स्थित धनसान स्थल का दौरा करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश चिरकुंडा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह व निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता मौजूद थी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक एक मुहाने का निरीक्षण किया। इस दौरान खदान की भराई कर दिए जाने से निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता खासे नाराज दिखी। उन्होंने इसकी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से की, साथ ही कहा कि BCCL प्रबंधन अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि यहां कई लोग दबे हुए हैं, उसके बावजूद BCCL प्रबंधन व जिला प्रशासन मुहाने को भराने का काम कर रहा है, जबकि रेस्क्यू का काम जारी रखना चाहिए। इधर श्री प्रकाश ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा सड़क में मैदान तक पुरजोर आंदोलन करेंगी। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग अवैध रूप से कोयले का नीचे करो देश में हो रहा है और खास करके धनबाद न्यूज निर्सा नीचे थोड़ा नीचे करो आईडी धनबाद में जिस प्रकार की घटना लगातार घट रही है और खास करके निर्सा के क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के अवैध कोयले का यहाँ उत्खनन हो रहा है और साथ साथ में लोगों की मृत्यु भी हो रही है। जो मजदूर गरीब हैं, निर्धन हैं, जो अपना अपने जीवन को चलाने के लिए अवैध उत्खनन के लोगों के साथ सहयोग करते हैं और उनकी जीवन चली जाती है, उसका ये उदाहरण ये स्थान है। और ये स्थान में आज भी गांव के लोगों का कहना है कि 50 से 70 लोग आज वहाँ फंसे हुए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला प्रशासन यहाँ पर आकर के साक्ष्य को मिटाने में अपना भरपूर सहयोग कर रहा है। सर, आप निरीक्षण किए तो क्या पाए? आप पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार अपनी करतूतों को छुपाने के लिए किसी के दिशा निर्देश पर, किसी राजनीतिज्ञ के दिशा निर्देश पर, सत्तारूढ़ दल के दिशा निर्देश पर वो यहाँ पर साक्ष्य को मिटाने का काम कर रही है। यहाँ की सरकार इतना हड़बड़ी क्यों है राज्य की सरकार को कि सभी पिकेट्स को बंद कर दिया जाए? इतनी हड़बड़ी क्यों है? अभी तो रेस्क्यू चलाने का समय था। गांव के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर अवैध कोयला का खनन हो रहा था और जो जमीन का मालिक है वो एक सिपाही है, उसने भी अपने सरकार को, इस सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को लिख करके दिया कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। उसके बाद उसका तबादला कर दिया गया, उसको पनिशमेंट दिया गया। यहाँ के गांव के लोग जब विरोध करते थे तो यहाँ गांव वालों को धमकी दी जाती है, इसी उपायुक्त तो महोदय को बार बार लिख कर दिया गया, थाना प्रभारी को लिख कर दिया गया। आखिर क्या है गठबंधन, क्या है साठगांठ? और ये साठगांठ इस बात का प्रतीत है, ये साठगांठ इस बात का प्रतीत है कि राज्य की सरकार का समर्थन इसको मिला हुआ है। और मैं जानता हूँ कि पूरे प्रदेश में आज जिस प्रकार से अवैध कोयले का खनन हो रहा है और उसका लाभ किसको मिल रहा है, किन लोगों को मिल रहा है, उसमें स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के झारखंड में बैठे हुए जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वे पूरी तरह से पार्टनरशिप पर इस प्रकार का अवैध खनन चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पूरे प्रकरण की जांच CBI से होनी चाहिए और CBI की जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ इलीगल माइनिंग जिस धर्रे से चल रहा है, माननीय सांसद महोदय ने लगातार लोकसभा में, मैंने राज्यसभा में यहाँ के विषयों को उठाने का